राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का पिछले 35 सालों से झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा है और इस बार भी प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। लगातार 5वीं जीत दर्ज करने और अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में ताल ठोकी, जहां उनका मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया से है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी अपना 35 साल का रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी? बता दें, झालावाड़ में 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं, अब 4 जून को मालूम हो जाएगा कि क्या बीजेपी का 35 साल का रिकॉर्ड आगे बरकरार रहता है या इस लोकसभा चुनाव में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। बता दें, क्षेत्र में इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी के चंद्र सिंह और निर्दलीय सहित 7 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमाया है। देश के पहले लोकसभा चुनाव 1952 से लेकर 2004 तक के चुनाव में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र और इससे पहले परिसीमन के बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव से यह क्षेत्र झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र कहलाता है और इसमें आजादी के बाद से अब तक 17 चुनाव में 9 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व माँ बेटे ने ही किया है, यानी वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने ही किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने साल 1989 के 9वें लोकसभा चुनाव में झालावाड़ सांसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीता और इस क्षेत्र में पार्टी का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह इसके अगले 4 चुनाव यानी साल 1991, 1996, 1998 और 1999 लगातार जीतकर 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद साल 2004 का चुनाव दुष्यंत सिंह ने लड़ा और पहली बार सांसद बनकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद झालावाड़ के साथ 12 को भी जोड़ देने से झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह ने साल 2009, 2014 और 2019 से लगातार चुनाव जीतकर इस क्षेत्र से 4 बार सांसद बने और 5वीं बार जीतने के लिए चुनाव मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमाया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।